अरे सब सब लोगों को हम लोग देखिए सब सर्वधर्म के प्रति, सभी जात के प्रति, सभी वर्गों के प्रति हमारी पार्टी जो है विश्वास रखती है, सबको साथ लेकर के चलना चाहती है और इस काम में हम लोग लगे हुए हैं और हमको रिजल्ट भी शुरुआत ही है। अभी हम ये नहीं कहेंगे बड़ा अंतर आ गया, बड़ा फायदा हो गया, लेकिन शुरुआत बम्पर हुई है। योगी मॉडल जब बम्पर हुई है तो इस काम में हम लोग लगेंगे। और लाउड स्पीकर के वोट का निर्णय था वहाँ लागू हुई, लेकिन हम आप देखिएगा विचार की लड़ाई में जो है इंसानियत को मत भूलिए। और सबसे बड़ा धर्म जो है मानवता होता है। अब हम आपसे पूछे कि भाई बताओ लाउड स्पीकर कब आया, लाउड स्पीकर की खोज कब हुई, हम आपको बताते हैं लाउड स्पीकर की खोज जो है 1925 में हुई और 70 के दशक में भारत आया। या तो इससे पहले आस्था लोगों की नहीं थी क्या, वो प्रार्थना नहीं करते थे क्या, वो प्रेयर नहीं करते थे क्या? यार लाउड स्पीकर जो है ये तो 70 के दशक में आया, तो उससे पहले क्या था? अब जो लोग अलार्म लगा करके उठते हैं वो लोग सोचते हैं कि भगवान भी को भी सोते रहते हैं, उनको भी जगा दिया जाए। तो ये सारी बातें तो बात की बातें हैं। अभी किस पे बात हो रही है, बुलडोजर पे बात हो रही है, बात हो रही है लाउड स्पीकर पे, बेरोजगारी पे क्यों नहीं बात होती, महंगाई पे क्यों नहीं बात होती है, तरक्की की बात क्यों नहीं होती, किसान की बात क्यों नहीं होती, मजदूर की बात क्यों नहीं होती, इस पे क्यों नहीं चर्चा होती है भाई? ये मतलब लोगों लोग जो है गुमराह किया जा रहा है। जो असल प्रश्न है जनहित के मुद्दे उससे लोगों को भटकाया जा रहा है। आप बताओ ना लाउड स्पीकर का वजह यही है ना कि नींद जो है आपकी टूट जाएगी, लेकिन जिसको रोजगार नहीं मिला उसकी जिंदगी बर्बाद होगी इस पे चर्चा नहीं होगी। महंगाई से कमर टूट जाएगा इस पे चर्चा नहीं हो रही, एक नींद की बात है। और कई लोगों को तो आजकल आदत हो गया है कि टीवी ऑन करके सोते हैं, जब तक कान में आवाज़ ना जाए तब तक नींद ही नहीं आती लोगों को। तो ये सारी बातें अलग तो व्यक्तियों पर है और ये